सर आपका माइक ऑफ। सर सर आप म्यूट हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वाज म्यूटेड, सो लाइक नाउ इट्स ओके। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम पार्थ, ऋषभ, अरियंत। नहीं पार्थ नहीं, सॉरी, ऋषभ एंड अरियंत। एंड अच्छा हाँ, पार्थ ऑल्सो। अरियंत हैज राइटली गेस्ट कि आज जीरो अटेंडेंस। क्या करें, तो वो लग ही रहा था कि जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में मिक्स मोड में हो जाता है, तो इट स्लोली टर्न्स टू ऑनलाइन मोड। और ये सिर्फ 12th में नहीं, 11th में भी यही चल रहा है। पहले तो 11th में भी ऑलमोस्ट 28-29 आने लगे थे, मतलब 30 टचिंग ऑलमोस्ट, एक आध बैच में 30 टचिंग थे। फिर धीरे धीरे वो डाउन होने लगा और अब तो वहां पे भी ऑलमोस्ट अराउंड 10-12 आ रहे हैं और बाकी अराउंड 30 है वो जो है ऑफलाइन ही। चलो, व्हाटएवर choices are there. Okay, so like last class we were doing about ये जो कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, ये तो देखो एडवांस में है नहीं, मेंस नहीं है, उसको फटाफट निपटा था, ठीक है ना। एंड दैट इज रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तो कल हमने किया था शायद डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, है ना। तो आज हम लोग करेंगे डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, कल हमने किया था शायद डिस्पर्शन एंड सॉरी डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। आज हम लोग करेंगे डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। देवेद आस्क्ड कि क्या ऑफलाइन कंपलसरी है। अच्छा, ऑफलाइन कंपलसरी ही बेस्ट थे। देव, यू आर राइट, बट देन सिचुएशन ऐसा है कि गवर्नमेंट के तरफ से भी ऑर्डर ऐसे ही है कि इट हैज टू बी मिक्स्ड मोड एंड इट कैन नॉट बी वन साइडेड। तो जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो यू कैन नॉट डिफाई दैट, एंड देयरफॉर एज यू नो व्हाट हैपेंस देन। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम करेंगे फटाफट इसको, टॉपिक को निपटा लेते हैं 5-10 मिनट में, फिर हम कुछ नया चीज करेंगे, ठीक है ना। तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन इज लाइक दिस। तो मान लो ये एक प्रिज्म है और ये पता तो चल ही गया वैसे तो, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस दैट कि डिविएशन होगा और डिस्पर्शन नहीं होगा। तो इस बार डिस्पर्शन को हम जीरो करेंगे, यानी हम लिखेंगे म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन प्लस म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू इज इक्वल टू जीरो। हम पहले इसको इक्वेट करेंगे, ए टू जीरो के बराबर, यानी ए टू आर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन इंटू म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन बाय म्यू वी टू माइनस म्यू आर, ठीक है। तो ये हो गया ए टू का वैल्यू, तो इससे ये पता चल गया कि वो उल्टा होता है, ऑल दोस थिंग्स हमें उठा ले, इसको बराबर बैठा देते हैं। तो ये ए वन वाला प्रिज्म और ये ए टू वाला प्रिज्म, ठीक है ना, ये ए टू वाला प्रिज्म, ये ए वन है और ये ए टू। अच्छा, इस बार हो क्या रहा है ना, इस बार है डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए पर डिविएशन हो सकता है। तो उसके लिए अगर याद होगा कल हमने फिगर बनाया था कि ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, फिर कुछ ऐसे हो गया और मान लो ऐसे हो गया, है ना। फिर इस बार डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वायलेट और रेड जो है ना पैरेलल हो गया, तो वायलेट और रेड पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, नो डिस्पर्शन। ये वायलेट हो गया रेड, तो विदाउट डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, दैट वायलेट एंड रेड रे आर पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ना कोई डिस्पर्शन नहीं होगा। तो लास्ट में देखो ये दोनों पैरेलल हो, तो नो डिस्पर्शन का कंडीशन क्या है ना, ये वाला कंडीशन हो गया नो डिस्पर्शन। तो नो डिस्पर्शन का कंडीशन तो ये हमने कर लिया था। हाँ, ये वाला केस कर लिया था। अच्छा, मतलब हमारा डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन बचा। यस। ओहो, अच्छा उल्टा हो गया। चलो कोई बात, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, ये तो फिगर भी बदल जाएगा, ये सब बदल जाएगा। चलो, तो लाइक डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, तो इसका फिगर भी थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना, और फाइनल फिगर ऐसे बनेगा।
ठीक है ना, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी रे ऐसे गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, जो भी है, और इसी में पैरेलल जाएगा मिडिल रे, तो ये हो गया और ये, तो देखो डेविएशन तो हो रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है इस केस में, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो बहुत क्लियरली दिख रहा है, देखो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों डिस्पर्स कर रहा है ना, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दोनों डिस्पर्स कर रहा है, तो डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, लेकिन डिविएशन नहीं चाहिए, यानी मैं लिखूंगा म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन प्लस म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू इज इक्वल टू जीरो, इससे a2 आ गया माइनस ऑफ a1 इनटू म्यू y2 माइनस 1 बाय म्यू y1 माइनस 1, ठीक है ना, ये आ गया a2, लेकिन आप मुझे क्या चाहिए ना, डिस्पर्शन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए, तो डेविएशन नहीं चाहिए, तो देखो लास्ट में ये वाला ये होगा, ये लास्ट का ये होगा, और अगर देखोगे तो इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ओरिजिनल जो रेज है ना और जो फाइनल का येलो है, देखो हमें डिविएशन सिर्फ येलो से स्टडी करना होता है, तो ये येलो है, तो देखो इनिशियल रे ऐसे था और फाइनल जो रेज है उसके येलो ऐसे आ रहा था, देखो दोनों पैरेलल है, यानी नो डिविएशन, दैट इज व्हाट दिस इज, चलो यानी डिस्पर्शन कितना होगा, फिर तो डिस्पर्शन थीटा विल बी म्यू बी1 माइनस म्यू आर1 बाय ए1 प्लस म्यू बी2 माइनस म्यू आर2 इनटू ए2, अब ए2 की जगह ये लिख लेता हूं, माइनस ए वन इंटू ए वन, यानी म्यू वाई टू माइनस वन बाय म्यू वाई वन माइनस वन, ठीक है, बस अब होने वाला है, इसको भी काम करो, म्यू बी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन कॉमन ले, ठीक है, तो क्या आ जाएगा वन माइनस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू बी टू माइनस म्यू आर टू बाय हाँ यहां करो ये टू, ये वन होगा ये टू, ठीक है, तो यू नो म्यू बाय टू माइनस वन इनटू म्यू वाई वन माइनस वन बाय म्यू बी वन माइनस म्यू आर वन, यानी ये क्या है, इजंट इट द डिस्पर्शन ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, यानी थीटा वन, तो थीटा वन इनटू वन माइनस ये ओमेगा टू है और ये ओमेगा वन है, तो ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, क्या अगर तुम चाहते हो कि डिविएशन ना हो तो उसका कंडीशन ये हो गया, और क्या है ना, डिविएशन ना हो लेकिन डिस्पर्शन हो, तो डिस्पर्शन कितना होगा, ये डिस्पर्शन, उसमें इनटू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पहले वाले का डिस्पर्शन थीटा वन इनटू 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, और अगर तुम चाहते हो नहीं, मैं तो इसको डिविएशन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, ओके वो भी चलेगा, तो अगर इसी को लिखना चाहते हो दूसरे तरीके से, तो द थीटा नेट विल बी इक्वल टू, तो मैं काम करता हूं म्यू वाई1 माइनस 1 इनटू ए कॉमन ले, तो म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन अगर कॉमन लेता हूँ, तो दैट जो क्या है ना, ये आ जाएगा देखना ओमेगा वन है ना, और माइनस ओमेगा टू, यानी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वन इंटू ओमेगा वन, ये देखो ये दो फॉर्मूले हो गए, तो अगर डिविएशन नहीं चाहते हो, यानी अगर डिविएशन नहीं चाहते हो और अगर डिस्पर्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, विदाउट डिविएशन, तो उसके लिए क्या होना, दो फॉर्मूले आ गए, अगर तुम डिविएशन के टर्म्स में लिखना चाहते हो पहले वाले का, तब तो डेल्टा वन इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, और अगर तुम पहले वाले का डिस्पर्शन के टर्म्स में लिखना चाहते हो, पहले वाले के डिस्पर्शन के टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो दैट इज थीटा वन इंटू वन माइनस ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, देव हैज सेड की v एंड r रे पैरेलल क्यों, नहीं 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 v एंड r पैरेलल नहीं है बेटे, इस बार v एंड r पैरेलल नहीं, वो तो पिछले बार के लिए था, लेकिन वो कह रहे थे कि पिछले बार वाला शायद कलम ने कर लिया, तो मुझे लगा शायद वो वाला केस नहीं हुआ, इसलिए मैं पहले डायग्राम बनाया था, अब डायग्राम चेंज कर दिया, अब क्या है डिस्पर्शन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्पर्शन हो रहा है, देखो रे वायलेट और देखो रेड पैरेलल, सॉरी
सॉरी वायलेट और रेड देख रहे हो एक्सपैंडिंग है ना, तो यानी पैरेलल नहीं है, यानी डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द वायलेट एंड द रेड, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन हो गया। अब क्या है, जो इनिशियल रे है वो ये हो गया और उसके पैरेलल ये देखो ये वाला ये नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज नो डेविएशन। तो इस बार पैरेलल कौन है? पैरेलल है इनिशियल वाइट वाइट वाला और फाइनल येलो, ये दोनों पैरेलल है। इस बार ये तो विदाउट डेविएशन है, तो देखो तो अच्छा मैंने ये गलत किया, ये तो ये पिछले बार के लिए लिखा था, अब तो इसको मिटाना पड़ेगा है ना। इस बार क्या होगा? इस बार होगा इनिशियल वाइट एंड फाइनल येलो आर पैरेलल। इस बार है इनिशियल व्हाइट एंड फाइनल येलो आर पैरेलल। वो कंडीशन जो मैंने बी एन आर पैरेलल लिखा था वो था विदाउट डिस्पर्शन का कंडीशन, तो वो तो बोल रहे कल हो चुका था इसलिए मैंने चेंज कर दिया, इसलिए वो चेंज करना भूल गया था, तो इसको अब चेंज कर लो। इनिशियल व्हाइट एंड फाइनल येलो आर पैरेलल, दैट्स ऑल। ठीक है चलो ओके, अच्छा दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी में डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन आएंगे, कुछ टेंशन ही नहीं। अब आगे बढ़ो। Next is refraction through a glass block, ठीक है ना? तो next is refraction through a glass block, ठीक है? तो next is refraction through a glass block. तो पहले ग्लास ब्लॉक का करेंगे और उसके बाद इसको जनरलाइज अप्रोच देंगे, एंड दैट इज सपोज t इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक, ठीक है? So t is the thickness of the glass block. ये incident ray है, ये ऐसे bend कर गया, तो ये तो ऐसे जा रहा था और last में देखना ऐसे करें। तो देखना ये line और ये line देखना हमेशा parallel होगा, क्योंकि ये दोनों parallel है, तो therefore ये दोनों देखना parallel होगा। इसको हम लोग बोलते हैं as d is equal to lateral deviation, ये ओके lateral deviation बोलते हैं। इसको कितना होगा ना, let us say incident angle i है, तो ये होगा i, ठीक है? obviously r हो जाएगा और ये हो जाएगा i माइनस आर, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ठीक है? तो ये टी हो गया और ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, तो ए बी क्या होगा? ए बी विल बी टी बाय कॉस ऑफ, है ना? ए बी विल बी टी बाय कॉस ऑफ, और बी सी क्या हो जाएगा? बी सी विल बी ए बी साइन आई माइनस आर, उसको पुट कर लो, यानी डिविएशन डी यही तो है ना, बीसी यही तो है ना डिविएशन, तो डिविएशन डी विल बी इक्वल टू बीसी विच विल बी इक्वल टू टी बाई कॉस आर इन टू साइन आई माइनस आर, ये फॉर्मूला से आर वर्क कहां से आएगा? उसके लिए हमारे पास अलग सा फॉर्मूला, एंड दैट इज म्यू is equal to sin i by sin i. So that's it. You have a refractive index.
अब मैं अलग से कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं करना चाह रहा हूं, बट दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दी व्हाट इज कॉल्ड एज लेटरल डिविएशन इन केस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक. ठीक है, ये हो गया ग्लास ब्लॉक का लेटरल डिविएशन. पैरेलल ग्लास स्लैब में याद रखना एंगुलर डिविएशन नहीं होता, पैरेलल ग्लास स्लैब में एंगुलर डिविएशन नहीं होता. सो देयर इज नो एंगुलर डिविएशन in a parallel glass. Dekho, theek hai, so there is no angular deviation in a parallel glass slab. Theek hai, so that was about glass slab. Let's move on now. Ab ek kaam karo, suppose ye mu2 hai, ye mu1 hai, ye normal ho gaya aur yahan pe incident ray aayi aur ye bend kar gaya. Let's say mu2 is greater than mu1. अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिविटी ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो क्या होगा? लेंस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्म. आई थिंक दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये होता है डेल्टा. ठीक है, तुमको डेल्टा वर्सेस आई का यानी ड्रॉ ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई. ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई. मैं आपको मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको फटाफट सॉल्व करो. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई. याद रखना म्यू2 का वैल्यू ज्यादा है, यानी इंसिडेंट रे जिस मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. चलो गो अहेड. कृष्ण अगर आस्क्ड कि पिछले केस में हमेशा पैरेलल ही क्यों जाएगा. ना, मैंने कब बोला कि पैरेलल होगा? मैंने बोला कि अगर तुम चाहते हो डिस्पर्शन हो पर डिविएशन ना हो, इन दैट केस पैरेलल होना पड़ेगा. अदरवाइज तो इसके मतलब डिस्पर्शन भी है डिविएशन भी है. देखो मोस्ट लाइकली क्या होगा, मोस्ट लाइकली सिचुएशन क्या है, देयर विल बी डिस्पर्शन एज वेल एज देयर विल बी डिविएशन. यही सबसे लाइकली सिचुएशन. मैं तो पूछ रहा हूं कि बताओ वो कंडीशन जिसमें डिस्पर्शन हो लेकिन डिविएशन ना हो, डिविएशन हो लेकिन डिस्पर्शन ना हो. तो ये दो कंडीशन हमने जो है डिस्कस किया, बट ये तो बड़े रेयर केस है ना, तो इसलिए उसके लिए कंडीशन है कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब ऐसा ऐसा होगा. ये सब चीजें जो भी a2 का वैल्यू माइनस ऑफ v1 माइनस v1 बार और वो सब करके a into a1 माइनस करके सब, तो वो कंडीशन था. बट तुमको अगर नहीं कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो ठीक है, इन दैट केस डिस्पर्शन भी होगा और डिविएशन भी होगा, तो इट्स ओके. ये चीज ओके. कृष्णागर से इसके अच्छा नहीं ग्लास ब्लॉक वाले. ओहो अच्छा, मैं तो क्वेश्चन ही गलत सुन रहा हूं. ओके देखो ग्लास ब्लॉक में क्यों होगा, वो देखो ऐसे अगर होगा और अगर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होगा. अब देखो जरा समझो, अगर ये आई होगा और अगर ये आर है, तो अगर पैरेलल ग्लास स्लैब होगा, अगर पैरेलल ग्लास स्लैब होगा तो ये फिर आर होगा. अब समझो अगर मान लो एक मीडियम में इंसिडेंट आई होता है तो दूसरे में अगर आर होता है, और अगर उस मीडियम में इंसिडेंट आर होता है तो उसका रिफ्रैक्शन आई हो जाएगा. ये इसका ज्योमेट्री है. लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल ना हो के कुछ और हो जाए, मान लो ये ऐसे हो जाए, मान लो पैरेलल नहीं, In that case क्या होगा? In that case तो नॉर्मल अच्छे हो गया ना, तो नॉर्मल ऐसे हो गया, तो
फिर रिफ्रैक्शन एंगल भी बदल जाएगा, इन दैट केस पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं। पर अगर फेसेस पैरेलल है इन दैट केस इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होगा, देखो ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला, और इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, ER, यानी इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होगा ना, पैरेलल हो जाएगा, ये चीज ठीक है। ये देखो ये हो गया, वो इंसिडेंट, चलो मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं। देखो पहली बात तो इंसिडेंट एंगल जब जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बताओ जरा। इंसिडेंट एंगल अगर जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस। ओके आर्यन ने तुरंत आंसर दे दिया, आई थिंक कृष्ण भी दे दिए, ऑब्वियस आंसर है दैट इज जीरो। क्यों? ये इंसिडेंट एंगल जीरो का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंट। याद करके देखो हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन के टाइम अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो वो सीधा जाएंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो स्ट्रेट चला जाए यानी बेंड हुआ ही नहीं तो डेल्टा भी जीरो हो रहा, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है, जिस समय इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो डेल्टा कितना होगा, तो इंसिडेंट एंगल बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी क्रिटिकल एंगल भी होगा, आईसी। उस समय डेल्टा कितना होगा बता सकते हो? ओके आर्यन सेट की डेल्टा हो जाएगा आईसी, केतव सेज 90 डिग्री, सोम सेज 90 डिग्री ना, अभी तक कोई आंसर करेक्ट में आया नहीं है, थोड़ा दोबारा सोचो। जिस वक्त इंसिडेंट एंगल आईसी होगा उस समय डेल्टा यानी एंगुलर डिविएशन कितना होगा सोचो। हाँ अब जाके सही आंसर आया, अब जाके आंसर सही आ रहा है, कृष्ण ने भी दिया सही आंसर, देव ने भी दिया, पार्थ ने भी दिया, दैट इज 90 माइनस आईसी। क्योंकि जिस समय क्रिटिकल एंगल पे होंगे, ये देखो ये क्रिटिकल एंगल है मान लो, ये सब होता आईसी, उस समय तो ग्रेजिंग से जाता है, जब आईसी एंगल पे आता है तो दैट केस क्या होता है, ग्रेजिंग, यानी ये भी ऐसे जाने वाला था है ना, तो ये खत्म हो गया, ये भी ऐसे जाने वाला था, ये रेस्ट्रेट जाने वाला था, उसके जगह बेंड हो गया इतना, तो ये अगर आईसी होता तो ये भी आईसी होगा, ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा 90 माइनस आईसी, चलो यानी हो गया 90 माइनस आईसी। चलो ठीक है, क्रिटिकल एंगल के ठीक पहले मतलब लिमिट टेंस टू, अगर मैं क्रिटिकल एंगल करता हूं वेयर इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल यानी आईसी माइनस, तो उसका तो हो जाएगा 90 माइनस आईसी। ओके क्रिटिकल एंगल के ठीक बाद में क्या होगा, तो वेयर आई इज जस्ट ग्रेटर देन आईसी, तो डेल्टा कितना होगा, यानी क्रिटिकल एंगल जस्ट एक्सीड किया है उस समय डेल्टा कितना हो जाएगा। ओके आंसर्स आने लगे हैं, दैट इज अच्छा नहीं तो मुझे लगता है पिछले वाला का आंसर 90 माइनस आईसी, ये पिछले वाले का आंसर अलग। अब मैं कह रहा हूं कि आईसी यानी क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा पहले डेल्टा कितना हो गया 90 माइनस आईसी। ओके डन, अब अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ठीक है आर्यन यू हैव गिवन द राइट आंसर एंड दैट इज 180 माइनस ट्वाइस आईसी, एकदम से डबल हो जाएगा यानी एकदम से यहां पहुंच जाए। योगा 180 माइनस ट्वाइस आईसी, ठीक है ओके। उसके बाद क्या होगा नेचर ऑफ ग्राफ, उसके बाद नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा,
अच्छा उसके बाद देखो क्या होता है, TIR, TIR का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, यानी उसके बाद रिफ्लेक्शन की तरह ग्राफ बनेगा, यानी उसके बाद क्या होगा ना, once it is more than IC, तब क्या हो जाएगा R greater than IC नहीं क्या होगा, क्या करेंगे, तो डेल्टा कितना हो गया, मैं ये इसका जाने का रास्ता था ऐसे, तो दिस इज योर डेल्टा, तो ये अगर IC हुआ, मतलब ये अगर I हुआ तो ये भी I होगा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2I, ठीक है ओके 180 माइनस 2i वाला आंसर पार्थ ने भी ठीक दिए हैं ठीक इट्स ओके यानी 180 माइनस 2i करके क्या होगा ना पूरा स्ट्रेट लाइन आ अब रहेगा बीच वाला पोर्शन यहां पे ग्राफ कैसे होगा यहां पे ग्राफ के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन एक तो है स्ट्रेट लाइन जो कि शायद ही अप्लाई की है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा एक ऐसे और एक ऐसे अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से मुझे कौन सा सिलेक्ट डेल्टा क्या होगा ना आई माइनस आर है ना और हम डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बना रहे हैं अब आर को हमें रिप्लेस करना है कैसे करेंगे ना यू नो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर है ना म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर तो साइन आर क्या हो जाएगा ना आर क्या हो जाएगा ना आर हो जाएगा साइन आई बाय 1 का यानी साइन इनवर्स ऑफ बाय चांस नहीं मैं चेंज कर देता हूँ इसको म्यू वन कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू वरना सीक्वेंस में बैठता नहीं एक्चुअली इंसिडेंट वाला म्यू वन रह रहा है ये चीज ये जो म्यू लिख रहा हूं ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हाँ ये यहां पे क्या लिखूं मैं म्यू टू बाय म्यू वन या म्यू वन बाय म्यू टू इस बार टीआर भी करा था तो यानी यू वन ग्रेटर देन यू टू कर दिया यानी रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है इसलिए डेल्टा आता है डेल्टा को आर माइनस है ठीक आर माइनस है आर बड़ा है और आई छोटा है तो ऑब्वियसली आर माइनस आई होगा बिल्कुल तो अब ये कि यू नो आर को हटाना है तो आर को हटाना था तो साइन आर इक्वल साइन आई बाय म्यू और इस बार क्या होगा साइन आई इनटू म्यू 1 है ना यानी म्यू 2 बाय म्यू 1 यानी हो जाएगा तो इसको भी लिख देता हूँ साइन आई और इनटू म्यू वन बाय म्यू टू साइन आई इनटू म्यू वन बाय म्यू टू या साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन बाय म्यू टू इनटू साइन ओके तो आर के लिए हटा देता हूँ तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
mu 1 by mu 2 sin I minus R. Yeah. ठीक है, देखो अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, फाइंड आउट करना चाहता हूं डी डेल्टा बाय डी आई. तो डी डेल्टा बाय डी आई, तो साइन इनवर्स में क्या होता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, पर इसका साइन आई भी वो भी ध्यान रखना पड़ेगा. फिर भी प्रीटी कॉम्प्लेक्स बना बनाना है, कॉम्प्लेक्स आता है ना, इसलिए इसको हटाओ, इस तरह से नहीं करना, कुछ और करो. ठीक है, इसको यहीं से डिफरेंशिएट कर लो. तो डेल्टा डी डी आई इज इक्वल टू यू नो डी आर डी आई माइनस वन है ना, माइनस वन. अब डी आर डी आई कैसे करेंगे, इसी से कर लेते हैं, दैट विल बेटर. ठीक है, तो इसको यहीं से कर लेते हैं कि म्यू वन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. तो ठीक है, तो अगर मैं डी आई डी आर करूंगा तो इन दैट केस म्यू वन कॉस आर डी आई डी आर इज इक्वल टू म्यू टू कॉस आर. ठीक है, म्यू टू कॉस आर, यानी डी आई डी आर आ गए, तो डी आर डी आई क्या हो जाएगा, म्यू वन बाय म्यू टू इनटू कॉस आई बाय cos r. इसको लिख लेते हैं यहां पे, तो dr by dr हो गया mu1 cos i by mu2 cos r. ठीक है, और minus 1. अब एक काम करता हूं, पहले शुरू में चेक करता हूं, शुरू में क्या ना i is equal to 0, तो शुरू में i is equal to 0 है ना, और r भी 0 क्योंकि डिवीजन मतलब इनिशियल तो i और r 0, ये दोनों वन हो गया, और म्यू वन इज व्हाट ग्रेटर देन म्यू टू, यानी पॉजिटिव स्लोप आ रहा. जब मैं आई का वैल्यू बढ़ाऊंगा, जब मैं आई का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कॉस आई विल बी ऑलवेज मोर, कॉस आई विल बी मोर देन कॉस आर, यानी शुरू में जो स्लोप है बाद में स्लोप बढ़ता है. तो लेटर ऑन एज आई इंक्रीजेस क्या हो रहा है, स्लोप ऑल्सो जैसे आई बढ़ा रहा तो cos i थोड़ा घटेगा, लेकिन cos r और ज्यादा घटेगा, क्यों, क्योंकि r ग्रेटर देन i. तो देखो दिस विल ऑलवेज बिकम व्हाट, मोर देन म्यू 1 बाय म्यू, और माइनस 1 है, तो यानी स्लोप बढ़ रहा, तो स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ है यही वाला, तो यानी ये वाला ग्राफ दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अब देख लो, देव हैज आल्सो सेड कि सबसे नीचे वाला ग्राफ होगा. Yeah, that's okay, but then we had to find out a way of finding out which one is the actual graph. ऐसे कोई अभी तक हिंट नहीं था कि ये वाला होगा या वो वाला होगा. So that is also there, है ना? चलो, चलो, तो दैट वाज अबाउट ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. उस दिन हम लोग क्रिटिकल एंगल वगैरह सब किए थे, तो यू नो उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था. अच्छा, अब हम एक बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट इज पाथ और यू कैन से ट्रेजेक्टरी. ठीक है, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये
ये एक मीडियम है, ठीक है, इसपे ग्रेजिंग निकल रहा है, ग्रेजिंग करके आ रहा है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये इंटीग्रेबल होगा या नहीं देख लेंगे बाद में, वो तो चलो फंक्शन हो सकता है मुझे चेंज करना पड़े, क्योंकि बिना सोच समझ के देने से ना कई बार वो थोड़ा सा अटक जाता है, ठीक है। और मैंने दिया फिलहाल कि न्यू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इससे क्या होगा ना वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है हर जगह, ठीक है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे यू नो अलग होगा, यहां पे अलग होगा, इस तरीके से हर जगह अलग अलग, ओके, इस तरीके से। अब ये है कि ये जो रे है देखना, ये कंटिन्यूअसली बेंड होता जाएगा, तो देखना ये रे ऐसे करके बेंड होता जाएगा, फाइन। तो तुमको इस रे का प्रोजेक्टर इक्वेशन बता, अच्छा अगर ज्यादा अटकेगा ना तो मैं इसे फंक्शन बदल दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यू नो इसमें दिक्कत आए, तो मैंने सोच समझ के मैंने वैल्यूज दिया, तो बाद में जरूरत पड़े तो मॉडिफाई कर लूंगा, पहले स्टार्ट करो इसका प्रोजेक्टर इक्वेशन निकालने का तरीका समझ या फाइंड आउट करो, स्टार्ट डूइंग इट, मैं तब तक रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं। स्टेप्स इसमें कुछ स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, देखो इसमें पता क्या होगा, सबसे पहली बात तो इज दैट अगर पैरेलल मीडिया होता है ना, अगर मीडिया पैरेलल होता है, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये अगर रे हुआ, ये मान लो म्यू वन ये I1, फिर I2 है, फिर mu2 है, फिर कुछ I3, फिर कुछ mu3, फिर कुछ I4, mu4, इस तरीके से। तो क्या होगा पैरेलल में, क्या होगा पता है, mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2 is equal to mu3 sin I3, इस तरीके से, यानी mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2 is equal to mu3 sin I3, इस तरह चलता जाएगा, यानी mu n sin I n is equal to क्या होगा constant, ठीक है, μn sin in is equal to what constant, अब इसका हम फायदा उठाएं, पता है कैसे, मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो एयर से आ रहा तो 1 है, यानी μ1 यानी 1 into sin 53 is equal to किसी एक y पे ले लो, जैसे कोई y है, ये y है, ठीक है, तो y हो गया μ, तो यानी 1 plus y square into ये वाई स्क्वायर भी रख लो बाद में जरूरत पड़े तो चेंज कर, 1 plus वाई स्क्वायर into sin i, यहां का जो आई जो भी आई है into sin, तो वहां का sin आया है, तो sin आ गया, sin 53 कितना होता है 5/3 सॉरी 4/5, तो 4 upon 5 into 1 plus वाई स्क्वायर, ये हो गया साइन, ठीक है, तो साइन का मतलब होता है ये 4 हो गया और ये 5 इनटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये का 4, तो इसको वो करोगे तो दैट केस वाई स्क्वायर का जीरो हो जाता है, लंबा हो बहुत, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप मुझे सोचता हूँ ठीक है,
dy dx equal to cot i, ये आई लिखा हूँ cot i, तो cot i मतलब इसका by 4, तो ये कितना ना, I think i का कुछ समझ पाया, ठीक है, आने दो ये आने, तो ये अंडरस्टूड करोगा, है ना, अंडरस्टूड करूँगा, अंडरस्टूड पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, cot i tan i तो क्या करें साइन 60 डिग्री इसको 90 डिग्री करता हूं तो एक फायदा होगा इसको एक काम करो ग्रेजिंग ही करो इन दैट केस एक फायदा तो होगा कम से कम हां कुछ तो फायदा होगा अगर 90 डिग्री करता हूं तो और उसको कर देता हूं मैं 1 plus y इसको y कर देता हूं ठीक है और इसको ग्रेजिंग कर देता हूं ये अगर y कर देता हूं तो माइनस cos है ना ठीक है इसको ग्रेजिंग ही कर देता हूं इसको ग्रेजिंग कलर कर देता हूं तो एक sin 50 किया ना sin 90 हो गया ये 1 आ गया है ना और ये आ जाएगा जो है ये y कर देता हूं ये y हो गया ये y हो गया तो sin i आ जाएगा इक्वल टू एक्चुअली इसमें ना पहले से सोचना बड़ा मुश्किल होता है क्या फंक्शन दिया है तो कभी मैंने बोला कॉन्वर्ज बना रहे मेन कांसेप्ट इज जनरेशन तो sin i के बाद आ गया तो sin i आ गया 1 by 1 plus y ठीक है ये हो गया sin i 1 by 1 plus i यानी sin i is equal to 1 by 1 plus ये साइन आ गया मुझे cot i चाहिए तो cot i मतलब ये वाला चीज यानी 1 plus 1 का y का होल स्क्वायर अब माइनस 1 यानी y स्क्वायर प्लस 2y और cot i क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y बाय 1 यानी y स्क्वायर प्लस 2y तो यानी cot i हो जाएगा अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 2y यार ठीक है ना अब तो आई थिंक मैनेजेबल फंक्शन है तो अगर मैनेजेबल फंक्शन होगा तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं है ना तो अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं तो दैट इज क्या है अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा ना देयरफॉर dy / अंडर रूट ऑफ y + 1 होल स्क्वायर - 1 है ना dy / क्या वैसे अगर इसको sin 90 ना करके अगर मैं कुछ और करूं तो क्या प्रॉब्लम था sin 60 यानी हाफ तो 2 ठीक आई थिंक इट्स ओके जाए cot i हो गया वही जो वाला ठीक तो यानी y plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1 या तो मैं इसको लिख सकता हूं एज dy / दिस इंटीग्रेशन 0 से लेके y तक और ये दैट इज इक्वल टू dx 0 से लेके x तक या एक्चुअली ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम क्या ना लिमिट को लेके प्रॉब्लम आता है ठीक है ना तो हाँ देव यू आर सेइंग राइटली कि लाइक इंटीग्रेबल नहीं बन रहा बट अब तो एक्चुअली इंटीग्रेबल बनेगा y plus 1 whole square minus 1 तो यानी y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ रहा है ना ये वो चेक कर लो देव हैज गिवन सम आंसर आल्सो वो भी देख लो है ना बट आई थिंक वो आंसर कुछ और है इसका रिजल्ट देख लो एक बार
ये तो डायरेक्ट रिजल्ट अब यूज कर सकता हूं मैं, मतलब ये कि एलएन वेलन आएगा तो चलो ठीक है, इतना तो चलता है ना। ठीक है, अरियंत इज गिवन द राइट आंसर। हाँ, इंटीग्रल प्रीवियस केस में नहीं था, दैट आई एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब तो इंटीग्रल फॉर्म आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन जो जनरल फॉर्मेट है वो लिख देता हूं, पहले रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ, x square minus a square is equal to ln mod of x plus under root of x square minus a square, है ना, ये आ जाता है। ठीक है, तो अब x के जगह तुम्हारे से y plus y आ गया, यानी x के जगह पुट करो y plus 1, हां तो यानी इस केस में क्या है, x equal to y plus 1 पुट करना है और a की जगह y, दैट्स इट। ठीक है, एक बार चेक कर लो और ठीक है ना, और उसके बाद तो और कुछ नहीं, बाकी तो आई थिंक हो ही जाएगा, लिमिट्स पुट करके x आ गया, अब रिलेशनशिप आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, एक बार चेक कर लो फॉर्मेट इसका। अब ऐसा है ना, ये क्वेश्चन ना जेई में आया हुआ है, एक बार एक काम करना, पुराने पेपर कर लेना, तो उसमें देखना फंक्शन कुछ और मिलेगा, और उन्होंने बड़ा अच्छा सा फंक्शन को यूज किया था, पता नहीं क्या था, अंडर रूट ऑफ शायद था, अंडर रूट ऑफ वाई प्लस वन था शायद, बड़ा अच्छा सा ग्राफ आया था। तो एक काम करो ना, एक बार और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और फंक्शन ले लेते हैं, है ना, इसको ले लेता हूँ मैं अपॉन वाई स्क्वायर का। अगर मैं ऐसे करूंगा तो इनका केस क्या होगा ना, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो वाला तो अब हो गया, वो तो देख लेना अपने आप, अब तो फॉर्मेट में आ चुका, तो अपने आप कर लो। तो इन दिस केस में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से नहीं होगा, वाई स्क्वायर कंट्रोल के लिए वाई, बस दैट्स इट, ठीक है ना, सॉरी वाई स्क्वायर, ठीक है, अब हो जाएगा। अब तो कुछ एंगल भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल भी दिया जा सकता है ना, जैसे मान लो 53 ले लो, चलो वाई आएगा। हाँ, कुछ कह रहे हो, चलो वाई आएगा, वाई स्क्वायर, हाँ वाई होगा, ठीक वाई होगा, तो ये वाई हो जाएगा, और बाकी आप चेंजेस कर लेना अपने, तो कॉटाई क्या हो जाएगा, वाई बाई वन, तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉटाई, कॉटाई मतलब हो गया वाई बाई वन, तो ये डिवाइड एक्स हो गया वाई, है ना, ये कुछ और करना तो और कर लेना, या एक आपको इसको 2 प्लस वाई स्क्वायर कर लो, तो इसको 2 प्लस, अब नाउ कैन प्ले विद द फंक्शन, अभी तो मैं इसलिए चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा एलएन के फॉर्मेट में आ रहा है, और एलएन में वाई का लिमिट 0 से नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज करने का सोचा, तो 2 प्लस वाई स्क्वायर, तो अपने आप देख लेना y स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, यानी कॉटाई, कॉटाई वाला अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, वेरी इजी टाइप का फॉर्मेट है, एंड सो ऑन, अब हजार चेंजेस तुम कर सकते हो, आई थिंक दैट मच यू कैन डू नाउ योरसेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कुछ अच्छा सा फंक्शन दिया था, एक बार पुराने पेपर में देख लेना क्या फंक्शन आया था, तो अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली सॉल्व इट। मेन होता क्या ना, ये वाला इज दैट न्यू 1 sin i1 is equal to mu 2 sin i1, really mu m sin i1 is equal to constant, ye asli cheez tha, mu m sin i1 is equal to constant, yahi asli step, baki to aasan, baki mein koi dikkat, theek hai na, uske baad sin i se cot i, aur cot i hota divide x, iske se ki ye i hai, to cot i divide x, rest you can do। तो ये category of question है, तुम अगर कोई भी book खोलोगे ना, या कोई भी पुराने कोई कलेक्शन क्वेश्चन क्वेश्चन कलेक्शन वगैरह देखोगे तो देखना इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे और ये फंक्शन अलग अलग मिले। अब ऐसे ही मैंने तो बिना सोच समझ के दे दिया, ऑब्वियसली दे विल थिंक द फंक्शन बिफोर गिविंग, तो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्मेटिंग करके दे दिया। ओके,
चलो आई थिंक लेट्स लीव इट देयर. मेथड्स में आ गया ना, बाकी इतना मैं मेन मुद्दा था डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन. मैं ये बीच में छोड़ रहा हूं उसको, अज्यूमिंग दैट नाउ यू आर अंडरस्टूड एवरीथिंग क्या करना. अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज ऑन फ्लैट रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन एट ए फ्लैट सरफेस, उसमें टीआर वगैरह इस तरीके के चीजें. मतलब आज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन अ कर्व सरफेस. तो लाइक रिफ्रैक्शन एट अ कर्व. रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस. रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस में क्या होता है, ये कर्व सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिविटी म्यू वन है और ये म्यू टू है. ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इमेज होगा. आई डोंट नो, लेट्स सी इमेज सीआर, यहां पे भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि लेट अस सी द इमेजेस हियर. तो ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, और इसका रेंज पर बचा. याद रखना साइन कन्वेंशन इसमें भी लगेगा, और साइन कन्वेंशन के बाद जो फॉर्मूला डिराइव होता है, मैं अभी फिलहाल ना फॉर्मूला बता देता हूँ, डेरिवेशन में इकट्ठे करा दूंगा सारा, कर्व मिरर भी और रिफ्रैक्शन भी. देखना एक दिन में फटाफट सारा हो जाता है, क्योंकि सारे बड़े सिमिलर टू ईच अदर. ओके, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, mu2 by v minus mu1 by v is equal to mu2 minus mu1 by r. ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस. नॉट ओनली दैट, इसमें भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v by u into, और याद रखना मिरर के मैग्निफिकेशन में एक माइनस भी लगता है, माइनस v by u, वो इसमें नहीं है. इसमें v by u है, वो अलग बात है कि v और u में साइन होगा. जैसे हो सकता है कि u में नेगेटिव हो सकता है, v पॉजिटिव हो सकता है, v नेगेटिव हो, u पॉजिटिव हो, जो भी हो तो होगा, वो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन फॉर्मूला में कोई साइन नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कहता है प्लस. बाकी अगर साइन कन्वेंशन लगाने के बाद जब हम u का वैल्यू v का वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसमें माइनस है तो इट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय m as पॉजिटिव. ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पहले ही बताओ. r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस केस में r is the radius of curvature. ठीक है, अब बताओ क्या करना. mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया. तो नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट डू मीन बाय मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, बस ये बताओ. ओके, अरिहंत सेठ की इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में होगा. ओके, भव्य सेठ की इमेज विल बी वर्चुअल. ओके, ठीक है, अब देखो ओके, आप सुनो, ये जो सेम साइड वाला आंसर है वो तो ठीक है, सेम साइड वाला आंसर तो ठीक है. मतलब अगर ऑब्जेक्ट उस तरफ है तो इमेज भी उस तरफ होगा, और ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर होगा, दैट इज एम पॉजिटिव. बट इतना जल्दी रियल वर्चुअल के बारे में अभी फिलहाल मत कहो,
ठीक है ना, रियल वर्चुअल के बारे में इतना जल्दी अभी मत बोलो, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में कई बार अलग हो जाता है, समझ रहे हो, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में कई बार इसलिए अलग हो जाता है। तो देखो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट सो इजी। मैं इतना ही कहूंगा इज दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ पोल और इंटरफेस। इस बार ये जो पॉइंट था ना P, इसको पोल बोलना चाहो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको बेटर है कि यूज़ कर दो वर्ड इंटरफेस, और यू कैन से पोल आल्सो, लूजली पोल बोलना चाहते हो इट्स ओके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना बता सकता हूं मैं कि O एंड I आर ऑन द सेम साइड ऑफ पोल और यू कैन से इंटरफेस। ये हो गया M पॉजिटिव का इंप्रेशन रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्लेक्शन में भी सेम होगा क्या, अगर M पॉजिटिव हुआ तो क्या रिफ्लेक्शन में भी सेम हो जाएगा, अगर M पॉजिटिव हुआ तो? यस, रिफ्लेक्शन में क्या होता है अगर M पॉजिटिव हुआ तो, यानी अलग अलग हो गया ना, यानी रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में मीनिंग बदल जाता है। ये हो गया O and I are the same sort of pole or interface in case of refraction. और क्या? Now O and I are on opposite sides in case of reflection. ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाओ रियल वर्चुअल, व्हेन इट कम्स टू रियल वर्चुअल, अगर M पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अगर M पॉजिटिव होगा तो मिरर के केस में या रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, हमेशा मतलब वर्चुअल रियल मैं नहीं बोलूंगा, ऑपोजिट नेचर। अगर M पॉजिटिव हुआ तो यानी ऑपोजिट नेचर का होगा, मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इन दैट केस इमेज वर्चुअल होगा, ये M पॉजिटिव होगा रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है ना। तो इसकी M पॉजिटिव के कई तरीके से इंटरप्रिटेशन है, ये वाला एक इंटरप्रिटेशन हो गया, इमेज है कहां पे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज, तो उसका भी एक वो है फार्मूला। अरियंत इज आस्किंग कांट M बी, M कांट बी पॉजिटिव इन केस ऑफ प्लेन मिरर ना, मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन है उस हिसाब से पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, प्लस वन तो होता, प्लेन मिरर में क्या होता, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द यू नो ऑब्जेक्ट इज द सेम, है ना, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वन है M प्लेन मिरर के केस में, तो देयरफॉर इट्स नॉट सो इजी टू इंटरप्रेट। अब M पॉजिटिव का रियल वर्चुअल का मतलब क्या होता है, रियल वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ मिरर अगर M पॉजिटिव है तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल इमेज हो, क्योंकि M पॉजिटिव का मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तभी ना उसका M पॉजिटिव हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर में क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर आर ऑपोजिट टाइप, ऑपोजिट टाइप का मतलब इन टर्म्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल, इन टर्म्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। एंड लेट्स लुक एट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी इंटरेस्टिंग ले आएगा, अगर N पॉजिटिव आएगा तो इन दैट केस क्या होता है ना, O एंड I आर ऑपोजिट टाइप, ठीक है ना, यानी कॉमन फीचर क्या आ गया, सेम साइड ऑपोजिट साइड नहीं है, वो तो मिरर और रिफ्रैक्शन में अलग अलग होता है, जो एक्चुअली कॉमन आया ना वो है उसका रियल वर्चुअल, कि अगर मान लो M पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ M पॉजिटिव। देखो ये मिरर पे भी होता है और रिफ्रैक्शन में भी होता है, ये रिफ्रैक्शन में, ये कर्व रिफ्रैक्शन में और ये मिरर में। बट एनीवे, क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया इसलिए डिस्कशन को कटेल करता हूं, लेकिन ये डिस्कशन में मैं करना चाहूंगा, तो एक काम करेंगे कल के क्लास में ना इसी से स्टार्ट करेंगे कि M का इंटरप्रिटेशंस क्या-क्या है, M पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब क्या होता है, M-1 का मतलब क्या है, +1 का मतलब क्या है,
और m नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करें। क्योंकि देखो हमें हर टाइप का ऑब्जेक्ट भी लेना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी लेना है, रियल ऑब्जेक्ट भी लेना है, और हमें ऑब्जेक्ट को भी यू नो रियल वर्चुअल और रियल और वर्चुअल उसका भी काउंट करना है, और ऑब्जेक्ट इमेज का लोकेशन या प्लेसमेंट भी देखना। तो इन तमाम चीजों को लिंक करते हुए m का वैल्यू देख के कुछ मीनिंग्स निकल आता है, तो हम लोग कल जो है ना स्टार्ट में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। ओके, हाफ ईयरली का जो सिलेबस है जो कि नेक्स्ट वीक से शायद स्टार्ट हो रहा है, हाफ ईयरली के सिलेबस है टिल एसी, ईएम वेव्स भी नहीं है, टिल एसी फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरा है टिल एसी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, आई थिंक आज के लिए क्लास से इतना ही तक था या उससे ज्यादा, मैं जरा टाइम चेक कर लेता हूँ। चलो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है वैसे तो, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली का बता देता हूं मैं, इज दैट देव हैज आस्क्ड कि क्या पेपर आसान आएगा। हाफ ईयरली तो बेटे हमेशा आसान ही आता है, हाफ ईयरली तो कभी टफ आया नहीं, तो देयरफॉर डोंट नीड टू बॉदर अबाउट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली विल ऑलवेज बी, इसलिए हाफ ईयरली का वो इजी डिफिकल्ट के लिए चिंता मत करो, क्योंकि ये तो वो वाला पेपर है ना, बोर्ड वाला। तो सिलेबस बता देता हूं हाफ ईयरली का, सर डेट शीट कब मिले? और डेट शीट देखो एक आध दो दिन में आ जाएंगे, है ना। हाफ ईयरली के सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म 1, मैग्नेटिज्म 2, ए 1 और एस, यानी बुक 1 के सारे चैप्टर से एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारे चैप्टर्स। अच्छा, इसमें ना एक डिलीटेड सिलेबस का मैं एक फाइल शेयर करूंगा, वो जो डिलीटेड सिलेबस है उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा बोर्ड एग्जाम्स का पेपर है। तो ठीक है, एक मैं फाइल शेयर कर दूंगा कॉल्ड एज डिलीटेड सिलेबस। तो डिलीटेड सिलेबस इज नॉट कम, डिलीटेड सिलेबस पार्ट इज नॉट इन हाफ ईयर, बस ये मोटा मोटा डिस्कशन होगी कि हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा है, उसका डिस्कशन मोटा मोटी है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। ओके, चलो आज इतना ही करेंगे, एक्चुअली एम के ऊपर और डिस्कशन करना था, आज हम कर सकते थे, बट देन क्योंकि जस्ट दो चार मिनट बचा था, तो इसलिए मुझे लगा चलो हाफ ईयरली का सिलेबस बता देते हैं, और एम के ऊपर डिस्कशन हम लोग कल करेंगे कि एम का मीनिंग क्या है, एम ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है, एम मॉड एम ग्रेटर देन 1, मॉड एम लेस देन 1, मॉड एम इक्वल टू 1, और फिर एम पॉजिटिव एम नेगेटिव, इन सब का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, वो हम लोग जो है कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो पेपर पैटर्न है वो एज पर सीबीएसई होगा, यानी शायद 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और 30 नंबर का सब्जेक्टिव ये पेपर, और शायद पेपर 2.5 घंटे का है इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स, सो दिस इज अ स्मॉल चेंजेस अमित, तो लेट्स लुक एट व्हाट आर द फाइनल थिंग्स शेपिंग अप अमित। बाकी तो आई थिंक यू नो वेरी वेल कि हाफ ईयरली पेपर टफ नहीं आता है, सो डोंट नीड टू वरी ऑन दैट, ठीक है ना। चलो एनी अदर क्वेरी, इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, m इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और एक बार फुर्सत की डेरिवेशन भी कर लेंगे किसी एक दिन, तो डेरिवेशन तो है ही, बट मे बी इसके बाद हम लोग कल के क्लास के बाद हम कुछ आगे नहीं करेंगे, कल के क्लास के बाद हम लोग कुछ और आगे नहीं करेंगे, क्योंकि है ना अब तो हाफ ईयरली इज लाइक राउंड द कॉर्नर, तो मे बी वी विल गेट अ ब्रेक और डे ब्रेक ऑल्सो ऑफ डे और टू, but that's like after the or rather just before the half yearly exams, theek hai, chalo theek hai, aaj ke liye itna hi karte hain, we will carry on in tomorrow's class, thoda sa discuss karenge magnification and other things, okay, chalo aaj ke liye itna hi, fir have a good day, bye bye।